नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो लवली फ्रेंड्स, अंगूठे पर चांद का निशान के वीडियोस आपने देखे, लेकिन आज मैं कुछ आपको नई जानकारी और नए शोध के साथ में कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अंगूठे पर चंद्रमा की बहुत सारी वीडियोस के थ्रू मैंने आपको जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर, जो कि हमारे सामुद्रिक शास्त्र से ली गई है, और उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे शोध था कई विषयों में जो कि मैंने आपको करके और वीडियोस के माध्यम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अंगूठे पर चांद का निशान का प्रभाव तो अपने जीवन में है ही है, पूरी तरीके से है। लेकिन आज और वो इसलिए क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में अंगूठे पर चंद्रमा इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यदि अंगूठे के अलावा दोस्तों, यदि उंगलियों की और नाखूनों पर भी या दोनों हाथों के उंगलियों के नाखूनों पर भी यदि सारी उंगलियों में चांद हो, तो किसी ने कहा कि केवल यदि तर्जनी के ही हो, मध्यमा के ही हो, या फिर अनामिका के हो, या कनिष्ठिका के हो, मिडिल फिंगर आदि, और अंगूठा तो खैर है ही है जिसके बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के रूप में आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आप जानना चाहते। अंगूठे के अलावा यदि सारी उंगलियों के नाखून पर यदि आपका चांद है, तो तब क्या फल होगा? क्या जीवन में कुछ और विशेष होने को तैयार है? या फिर अंगूठे के अलावा उंगलियों पर जिन जिन उंगली, मैं सभी उंगलियों की बात करूंगा एक एक करके, तो वीडियोस पर बने रहिए और विदाउट स्किप किए वीडियो को देखिए, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अधूरी ना रह जाए, छूट ना जाए। तो दोस्तों, अंगूठे के अलावा जितने भी नाखून हैं, उन नाखूनों पर चांद यदि अलग अलग तरीके से सबके बन रहा है, किसी के किसी उंगली में है तो किसी के सारी उंगलियों में ही है चंद्रमा का निशान नाखूनों में, किसी के एक ही हाथ में है तो किसी के दोनों हाथों के नाखूनों पर भी चंद्रमा का पूरा पूरा चंद्रमा बना हुआ है, तो इसका बहुत विशेष फल है, विशेष प्रभाव है, और जीवन में देखने योग्य है, जीने योग्य है। प्रभाव केवल हल्का फुल्का नहीं है, बहुत बड़े मायने में, बड़े पैमाने में, और वो इस प्रकार से है दोस्तों कि जानते हैं डिटेल्स में। नाखूनों पर चंद्रमा विशेष फल को देने वाला होता है, और वो इस प्रकार से कि अलग अलग उंगली पर चंद्रमा होना भी अपने आप में प्रभावशाली, भाग्यशाली संकेत भी देता है और फल भी देता है। वो इस टाइप में जिस उंगली के ऊपर, माना कि इतर्जनी के नाखून पर चंद्रमा है, या मध्यमा के है, या किसी उंगली के भी है, तो जिस उंगली के नाखून पर चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कई लोगों के ऐसे होता है कि अंगूठे पर ही है या अंगूठे पर नहीं है तो किसी एक उंगली पर है, कई तरीके से लोगों के साथ में सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यदि जिस उंगली पर भी पांचों में से या दशों में से जिस उंगली, खासकर इन पांचों का ही प्रभाव विशेष रूप से है,
तो जिस उंगली के नाखून पर चंद्रमा बना होगा उससे रिलेटेड संबंधित फल आपके जीवन में अधिकतम देखे जाएंगे। उस उंगली के ग्रह से संबंधित रिलेटेड आप जो है अपने जीवन में उन्नति करेंगे, उस ग्रह से संबंधित आपको उस तरह के फल मिलेंगे, जीवन में उस तरह की उन्नति और प्रोग्रेस करेंगे, उस प्रकार का, उस स्तर का, उस लेवल का आपको सम्मान, और आप उस लेवल के आधार पर ही नेम और फेम सारा कुछ कलेक्ट कर पाएंगे। ये है पर्टिकुलर उंगली के ऊपर, किसी पर्टिकुलर उंगली के ऊपर चांद बना होगा। जानकारी से पहले आप ये जान लीजिए कि जिस उंगली के ऊपर भी चंद्रमा जितना बड़ा होगा, क्योंकि कभी हल्का भी होता है बिल्कुल नीचे, तो कभी थोड़ा बहुत अच्छा होता है बना हुआ, साफ स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियर। तो जैसा चंद्रमा, जितना बड़ा चंद्रमा होगा उतनी ही बड़ी तरक्की उस उंगली के नाखून से संबंधित उस ग्रह से आपको मिलेगी या मिल रही होगी या मिली है या भविष्य में आप उसी उंगली के ग्रह के प्रभाव से दुनिया में विख्यात होंगे और उस ग्रह के संबंधित आपको बहुत अच्छे भाग्यशाली फल मिलेंगे। तो जानते हैं कि किस उंगली के ऊपर नाखून पर चंद्रमा बनने से किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं। तो अंगूठे से शुरुआत करते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जो लेडीज हैं, दोनों हाथ तो हर किसी व्यक्ति के उसके अपने ही हैं और दोनों ही भाग्य के निर्माता ही दोनों हाथ है, दोनों ही कर्म से संबंधित हमें फ्यूचर में ग्रोथ देते हैं। लेकिन फिर भी ज्योतिष के अंग के अनुसार, ज्योतिष के प्रभाव और संकेत के अनुसार, स्त्रियों का जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी भाग्य रेखा या उससे संबंधित अच्छे फल वो ज्यादा बेटर हो राइट से तो ज्यादा अच्छे फल दे। उसी तरीके से पुरुष का सीधे हाथ की रेखाएं हो, कोई निशान हो, चिन्ह हो, साइन हो या फिर किसी तरह के चंद्रमा इत्यादि, तो वो सब फल जो है राइट यानी कि सीधे अंग से ज्यादा प्रभावशाली और भाग्यशाली माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से अंगूठे से शुरू करेंगे। तो अंगूठा जो है दोस्तों, इसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल पर दी हैं, आप जाकर के कभी भी चेक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री, अंगूठे पर चंद्रमा या अंगूठे के नाखून पर चंद्रमा, इस तरीके से वीडियोस को सर्च कीजिए, बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं, अंगूठे के बाद नंबर आता है इस उंगली का, जिसे कि तर्जनी कहा जाता है। तो तर्जनी उंगली के नाखून पर यदि चंद्रमा बना हो, हल्का सा बना हो, थोड़ा बड़ा बना हो, जैसे कि मैंने कहा कि चंद्रमा जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़े रूप में तरक्की उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित मिलेगी। तो दोस्तों ये उंगली जो जिसे तर्जनी कहते हैं, ये उंगली बृहस्पति का द्योतक है, बृहस्पति ग्रह इससे संबंधित जीवन में फल देता है। तो क्योंकि ये बृहस्पति की क्षेत्र की उंगली है और ये बृहस्पति इस पर इसका प्रभाव पूरा देखा जाता है। तो बृहस्पति की उंगली के नाखून पर यदि चंद्रमा आपका स्पष्ट रूप से ये बना हुआ है, थोड़ा है, ज्यादा है और बाकी उंगलियों पर नहीं है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपको बृहस्पति से संबंधित अपने जीवन में बहुत अच्छे कामयाबी मिल सके, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि नेतृत्व में, जैसे कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी पोस्ट या कोई भी काम आपका हो सकता है ऑफिशियल या उस तौर पर, जैसे कि आपकी एस्ट्रोलॉजी हो गई, धर्मशास्त्र हो गए, इतिहास हो गया, इस तरह से संबंधित आपको बहुत सारे फल मिलते हैं। और साथ ही साथ में चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा यानी कि डॉक्टर, मेडिकल इत्यादि, इन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से भाग्यशाली प्रभाव आपके जीवन में देखे जाएंगे। शिक्षा से संबंधित कोई भी फील्ड हो,
वहां पर आपको बृहस्पति से संबंधित ही इस तरह के कला, नेतृत्व, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब में आपको जो है बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होगी इस नाखून पर चंद्रमा का ये संकेत। अब बात कर लेते हैं मध्यमा उंगली। तो मध्यमा उंगली पर यदि चंद्रमा और उंगलियों से अधिक ज्यादा बड़ा है, इसी पर ही केवल बढ़िया चंद्रमा है, अच्छे तरीके से उभरा हुआ है, तो इस बात का पूरा इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति कारखाने से संबंधित, फैक्ट्री, कंपनीज, वकालत से संबंधित या फिर बिजनेस, कोई लोहे से संबंधित मशीनरी, लोहे से संबंधित कोई भी बिजनेस हो, फैक्ट्री, कंपनी इत्यादि कुछ भी हो, इससे बहुत इन क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचता है। साथ ही साथ में इसी उंगली पर चंद्रमा होने से व्यक्ति कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी अच्छा फल जीवन में पा सकता है। इसके साथ ही जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया और कमीशंस के जितने भी जॉब है, वो सारे काम जो है इस उंगली पर यदि चंद्रमा है तो इनमें से कोई ना कोई काम ऐसा होगा जिसमें कि आपको बहुत अच्छा धन, मान और सम्मान प्राप्त होगा। यानी कि इन्हीं क्षेत्रों में जाकर के आपको कुछ आप अपनी वैल्यू बना पाएंगे। और अब बात करते हैं अनामिका की। अनामिका उंगली, ये जो जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, तो ये अनामिका उंगली के नाखून पर यदि चंद्रमा स्पष्ट रूप से आपके दिख रहा है और उंगलियों पर नहीं है, चंद्रमा छोटा है या बड़ा है, उसी लेवल पर, उसी छोटे या बड़े लेवल पर आपको, क्योंकि जिनके इस उंगली के नाखून पर चंद्रमा स्पष्ट रूप से बना होता है मेरे मित्रों, वो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में सरकारी लाभ प्राप्त कर, अब वो जॉब्स हो सकती है। चंद्रमा यदि अच्छे तरीके से बना पड़ा है तो ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी, उच्च पदाधिकारी होते हैं गवर्नमेंट क्षेत्र, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छे लेवल के होते हैं और सरकार से संबंधित कई तरह के लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलते रहते हैं जिनके अनामिका के नाखून पर चंद्रमा होता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी वकील हो सकते हैं, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं या सरकार के अंडर कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा काम आपको मिल सकता है या करते होंगे या करेंगे जिससे कि आपके एक भाग्यशाली जीवन की शुरुआत हो सकती है और आपको इसी में नेम और फेम प्राप्त होगा। राजनीति से संबंधित भी इस उंगली पर चंद्रमा होने से ऐसे व्यक्तियों को राजनीति से संबंधित भी बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। अब बुध की बात करते हैं। बुध यानी कि सबसे छोटी उंगली जिसे कनिष्ठिका कहते हैं, इस कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर यदि चांद स्पष्ट रूप से बन रहा है, थोड़ा, ज्यादा, बड़ा, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार से संबंधित ज्यादातर ऊंचाइयों को छूते, बिजनेस से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति नेम और फेम जीवन में पाते। किसी भी प्रकार का बिजनेस करने से ऐसे व्यक्ति उन्नत, प्रोग्रेस करते हैं। विदेश यात्राएं, विदेश से संबंधित कोई काम जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश में रह जाना, विदेश के लिए काम करना, विदेश से संबंधित संपत्ति या पैसे का लाभ प्राप्त करना, विदेशों में नेम फेम प्राप्त करना, ऐसे सारे फलों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को तरक्की और सम्मान जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों की पांचों उंगलियों में चंद्रमा हो, माना कि पांचों उंगलियों में चंद्रमा है, तो पांचों उंगलियों में चंद्रमा होने का मतलब है
कि ऐसे व्यक्तियों को लगभग सभी क्षेत्रों से कुछ न कुछ लाभ निश्चित रूप से जीवन में होगा, लेकिन जिस उंगली पर ज्यादा अधिक बड़ा चंद्रमा होगा व्यक्ति उस क्षेत्र में और भी बढ़िया नेम फेम पैसा धन व्यापार और अपना नाम यानी कि प्रोग्रेस प्राप्त कर पाए करें। और जिनके हाथों उंगलियों किसी भी उंगली पर चंद्रमा नहीं है या सिर्फ थोड़ा चंद्रमा अंगूठे पर ही है या अंगूठे पर भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है अपना नाम बनाने के लिए, पैसा धन व्यापार और सुखी होने के लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि संघर्ष स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन सफल ऐसे व्यक्ति भी हो जाते हैं, थोड़ा समय संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो संघर्षरत रहते हैं कर्म करते रहते हैं उनको कुछ ना कुछ जीवन में हासिल हो ही जाता है, कुछ ना कुछ वो धन इकट्ठा कर। तो दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने बताया ये सब मेरा अपना शोध है और कुछ बातें सामुद्रिक शास्त्र से ली गई हैं और कुछ चीजों को मैंने खुद ही शोध करके आपको 101% जानकारी दी है। तो हमारे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।